हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं सोनाली। स्वागत है आप सभी का मैटनी शो में। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहां गए ये लोग, जहां हम बात करते हैं सिनेमा से जुड़े उन लोगों की जो एक समय चर्चा का विषय थे। मॉडल टर्न एक्टर हिंदी सिनेमा के लिए काफी चिल चीज है। ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, जोनस जॉन अब्राहम, अर्जुन रामपाल और सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये सभी लोग मॉडलिंग वाले बैकग्राउंड से आए हैं और फिल्म इंडस्ट्री में अब भी अपनी जगह बनाए और बचाए हुए हैं। लेकिन उन लोगों की एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने मॉडलिंग के रास्ते सिनेमा में एंट्री ली, वन नाइट वंडर बने और फिर खेल खत्म हो गया। ऐसा ही एक नाम है कोयना मित्रा। कोयना शायद वो पहली सिनेमा सेलिब्रिटी थी जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और अपनी इस गलती का खामियाजा कोयना को अपने करियर के रूप में चुकाना भी पड़ा। फिल्म मुसाफिर के गाने साकी साकी से रातों रात स्टार बनने के बाद कोयना के गुमनामी में चले जाने की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। लेकिन जाने से पहले लोग आते हैं, इसीलिए कोयना की ये कहानी हम उनकी सिनेमाई एंट्री से शुरू करेंगे। कोयना कोलकाता की एक फुल्ली इंटेलेक्चुअल फैमिली से बिलोंग करती है, वहीं पैदा हुई थी। मम्मी टीचर और पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए थे। कोयना बचपन से फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन सिनेमा में जाना उनके उस सपने की तरह था जिसके सच होने की उम्मीद कभी उन्होंने की ही नहीं थी। 4 साल की उम्र में डांस सीखने के अलावा कभी कोई कोर्स या तैयारी नहीं की। कोयना जब साइकोलॉजिकल ऑनर्स की पढ़ाई कर रही थी तब उनके बॉयफ्रेंड ने जर्मनी जाने का हवाला देते हुए उनसे अपने संबंध तोड़ दिए, खत्म कर दिए। ब्रेकअप से उबरने के लिए कोयना ने कोलकाता छोड़ने का मन बनाया और ग्लैडर एक्स मेगा मॉडल इंडिया के लिए अप्लाई कर दिया। ये एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट था जिसे पहले जॉन अब्राहम और लारा दत्ता जैसे मॉडल्स जीत चुके थे। 2001 में ये कॉन्टेस्ट कोयना ने जीता, और कैसे जीता ये सबसे इंटरेस्टिंग है। कोयना ग्लैडर एक्स के फाइनल इवेंट में पहुंची। यहां जज पैनल में फिल्म मेकर सुभाष घई भी मौजूद थे। उन्होंने कोयना से पूछा कि वो कौन सी चीज है जिसके लिए वो दुनिया भर को छोड़ सकती हैं, और कोयना का दिल हाल ही में टूटा था। उन्होंने घई को जवाब देते हुए कहा कि जिस आदमी से वो प्यार करेंगी उसके लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है। कॉन्टेस्ट की शुरुआत से लेकर फाइनल तक पहुंचने का सफर भी कुछ आसान नहीं होता, इसलिए ये कहना गलत होगा कि सुभाष घई को दिए इस जवाब ने उन्हें मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट जिता दिया। लेकिन इस जवाब का उनके कॉन्टेस्ट जीतने में काफी अहम रोल था। बाद में सुभाष घई ने कोयना को अपनी फिल्म अपना सपना मनी मनी में बतौर एक्टर काम भी दिया। कोयना अपने इंटरव्यू में बड़ी ईमानदारी से बताती हैं कि इस ब्यूटी पेजेंट को जीतने के बाद उनकी लाइफ काफी ज्यादा आसान हो गई थी। अब उन्हें काम मांगने प्रोड्यूसर्स के पास जाना नहीं पड़ता था, अब वो लोग ऑफर लेकर आते थे। लेकिन उससे पहले कोयना मार्केट में अपनी जगह बना चुकी थी। वो मिरिंडा, क्लिनिकॉल क्लियर, मारुति ऑल्टो और कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एड्स में दिखने लगी। साथ में लगातार म्यूजिक वीडियोस भी चलते रहे। स्टीरियो नेशन के गाने इश्क के अलावा कोयना आज गिराब, अख तेरी और जसबीर जस्सी के गाने छन्नों के म्यूजिक वीडियोस में नजर आई। वो म्यूजिक वीडियोस ही हैं जिनकी बदौलत कोयना मित्रा को हिंदी फिल्मों में मौका मिला। फिर 2002 में राम गोपाल वर्मा एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रजत मुखर्जी ने, लेकिन प्रोड्यूस रामू ही कर रहे थे। फिल्म में विवेक ओबेरॉय, मनोज वाजपेयी और अंतरा माली जैसे एक्टर्स काम कर रहे थे। प्रोड्यूसर्स का मानना होता कि किसी फिल्म में आइटम नंबर डाल देने से उनकी फिल्म की रीच बढ़ जाएगी और एक चार्ट बस्टर गाना भी हो जाएगा। इसी स्ट्रैटेजी के तहत राम गोपाल वर्मा ने कोयना मित्रा को रोड के लिए अप्रोच किया। उन्होंने कोयना के वीडियोस देखे थे, सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ और कोयना फिल्म में खुल्लम खुल्ला नाम के एक गाने में नजर आई। हालांकि बाद में इस गाने से रामू और कोयना दोनों ही निराश हुए। रामू का मानना था कि फिल्म में उस गाने की टाइमिंग खराब थी, वो फिल्म में एडजस्ट नहीं हो पाया। वहीं कोयना को इस बात का अफसोस था कि उन्हें अपने फिल्मी करियर की शुरुआत किसी रोल से करनी चाहिए थी, डांस नंबर से नहीं। सिनेमा फील्ड में आपको अपना टाइप दिखाने से पहले ना स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। कोयना के साथ भी यही हुआ। उन्हें अलग अलग इंडस्ट्री से डांस नंबर्स के ऑफर आने लगे। इसमें से उन्होंने 2003 में आई विक्रम की तमिल फिल्म धूल में एक गाना किया। हालांकि अभी कोयना को वो ब्रेक नहीं मिला था जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन अब इंडस्ट्री में
उनकी पहचान बनने लगी थी। चार लोग जाने लगे, पार्टी वार्टी में जाना शुरू हो गया। ऐसी ही एक पार्टी में कोयना की मुलाकात संजय गुप्ता से हुई। तब तक संजय कांटे बना चुके थे। इस मुलाकात के ठीक अगले दिन संजय ने कोयना को फोन किया और कहा कि वो उनके साथ काम करना चाहते हैं। कोयना के लिए भी ये बिग डील थी क्योंकि उसमें उन्हें कांटे फेम डायरेक्टर और संजय दत्त जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। इस पर उन्हें फिल्म में सिर्फ एक गाना नहीं एक्टिंग भी करनी थी। लेकिन दिक्कत ये भी हुई कि फिल्म के उनके हिस्से आया गाना साकी साकी उनके एक्टिंग परफॉर्मेंस पर भारी पड़ गया। इस गाने ने उनकी आइटम गर्ल वाली इमेज और मजबूत कर दी। इस गाने ने कोयना को शोहरत और काम दोनों दिलवाया। इसके बाद वो आइटम नंबर्स छोड़ एक्टिंग में ही आगे बढ़ने लगी। आगे वो एक खिलाड़ी, एक हसीना, इंसान, अपना सपना, मनी मनी और अनामिका जैसी फिल्मों में नजर आई। लेकिन इस दौरान की कोयना की एक गलती ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। फिल्म लाइन में काम करने वाले लोगों के लिए चेहरा मोहरा बहुत मायने रखता है, खासकर हीरोइनों के मामले में। कोयना के साथ यही गड़बड़ी हो गई। उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी करवाई लेकिन वो सर्जरी गलत चली गई। इस चक्कर में कोयना की नाक की हड्डियां सूजने लगी, चेहरा डिसफिगर हो गया। टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कोयना ने बताया कि उनके चेहरे की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो ढंग से मुस्कुरा भी नहीं पाती थी। डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। शुरुआत में तो कोयना घर में ही रही लेकिन कुछ दिन बाद वो इसी चेहरे के साथ बाहर भी जाने लगी। लोगों में चर्चा होने लगी। इस सर्जरी से हुई प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कई और सर्जरीज करवानी पड़ी लेकिन इससे उनके चेहरे की हालत खराब हो गई, बहुत बदलाव हुए। इस लेकर कोयना तो सहज थी लेकिन इंडस्ट्री के लोगों को इससे समस्या थी। उन्हें काम मिलना बंद हो गया, कायदे से फलता फूलता करियर खत्म हो गया। में ऋतिक रोशन एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था काइट्स। कई इंडियन हीरोइंस के मना करने के बाद फिल्म में मेक्सिकन एक्ट्रेस बारबरा मोरी को साइन किया गया। काइट्स की शूटिंग के दौरान बारबरा की टीम के एक सदस्य की मुलाकात कोयना से हुई। उन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म के लिए कोयना से उनका ऑडिशन टेप मांगा। कोयना ने भेज दिया। फिल्म के मेकर्स को उनका ऑडिशन पसंद आया और उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए लॉस एंजलिस बुलाया गया। ये कोयना की दूसरी पारी की शुरुआत थी। उन्हें हॉलीवुड में द स्टोरी ऑफ नाओमी और डार्क रोमांस जैसी फिल्मों में काम मिला लेकिन इन फिल्मों के बावजूद भी उनके करियर ग्राफ में कोई उछाल या बेहतरी नहीं आई। हालांकि कोयना इसके बाद एक आध बंगाली फिल्मों में भी नजर आई लेकिन अपना खोया हुआ स्टारडम उन्होंने वापस नहीं पाया। काम की कमी की वजह से कोयना की माली हालत खराब होने लगी। उन्होंने 2011 के बाद 2-3 साल के अंतराल में मॉडल पूनम सेठी से 22 लाख रुपए उधार लिए। जब पूनम ने अपने पैसे वापस मांगे तब कोयना ने उन्हें 3 लाख रुपए का चेक दिया लेकिन वो चेक बाउंस हो गया। इसके बाद पूनम ने कोयना को लीगल नोटिस भेजा। बावजूद इसके कोयना वो रकम नहीं चुका पाई। अक्टूबर 2013 में पूनम ने कोयना के खिलाफ अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में केस दर्ज किया। जुलाई 2019 में इस मामले की सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट केतकी चवन ने कोयना को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। साथ ही पूनम सेठी को 4,64,000 रुपए देने का आदेश भी दिया। अब कोयना और उनके वकीलों ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ चुनौती देने की बात कही। कोयना ने 7 सितंबर 2019 को कोर्ट के फैसले को चुनौती भी दी। साथ ही एक नई एप्लीकेशन भी फाइल की जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि उनके वकील केस को ठीक से हैंडल ही नहीं कर रहे। फिल्मों और मॉडलिंग असाइनमेंट के साथ साथ कोयना ने रियलिटी शोज में भी काम किया। वो 2009 में डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के तीसरे सीजन में दिखाई दी थी। झलक के ठीक 10 साल बाद उन्होंने अपना दूसरा रियलिटी शो साइन किया, सलमान खान का बिग बॉस। कोयना ने 29 सितंबर 2019 को बिग बॉस के घर में एंट्री ली लेकिन लंबे समय तक नहीं टिक पाई और उसी 13 अक्टूबर को वो बिग बॉस के घर से बाहर हो गई। बाहर आने के बाद उन्होंने शो के होस्ट सलमान पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। साथ ही ट्वीट किया उन्होंने क्यों बिग बॉस 13 को हाँ कहा। फिर आया साल 2021 जब कोयना ने फिल्मों से इतर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। जून में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अनाउंस किया कि वो अपना स्किन केयर क्लिनिक और इंस्टीट्यूट शुरू कर रही हैं, येपियो नाम से। स्किन केयर क्लिनिक शुरू करने की वजह पर उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात की। बताया कि उनके नए साल की शुरुआत एक स्किन इन्फेक्शन से हुई। उन्होंने जांच कराई लेकिन डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि इन्फेक्शन पर कौन सी दवा असर करेगी। नतीजन कोयना को अपने स्किन इन्फेक्शन से रिकवर होने में करीब 4.5 महीने लगे, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया वो अपना स्किन क्लिनिक खोलेंगे ताकि लोगों तक स्किन केयर और फिटनेस से जुड़ी
सही मदद पहुंचा सके। आज के मैटनी शो में आपके लिए इतना ही, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं सोनाली, आपके साथ देखते रहें दी लल्लन टॉप।